एक चम्मच सरसों के तेल में ये चीज़ मिलाकर लगा लो, सर्दियों में क्रैक हील यानी फटी एरिया जो है वो ठीक हो जाएंगी, सॉफ्ट और सपल हो जाएंगी। विंटर सीजन है और क्रैक्ड हील होना तो मोस्टली कॉमन ही हो जाता है, ऐसे में आप जो है अपने पसंदीदा फुटवेयर जो है वो नहीं पहन पाते और आपको काफ़ी शर्म आती है। तो कैसे आप अपने जो फुटवेयर है उनको ठीक कर सकते हैं, सॉफ्ट और सफल बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे सरसों का तेल, यहाँ पर हमने ऐड करना है 3 से चम्मच सरसों का तेल। सरसों का जो तेल होता है वो विंटर सीजन में गर्माहट के लिए जो है यूज़ होता है, स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए यूज़ होता है, स्किन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी स्किन फट जाती है तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में जो है विटामिन ई जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर किसी भी तरीके की ना तो ड्राइनेस होती है, ना ही इन्फेक्शन होता है, और ना ही आपकी जो हील है वो क्रैक्ड होगी और उनका जो खुरदुरापन है वो भी ठीक होगा। इसके बाद हमने 3 चम्मच डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली, 1 से 2 चम्मच छोटे चम्मच जो है हमने यहाँ पे वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेनी है, जो आपके स्किन को पोषण देती है। वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो है इसमें लुब्रिकेटिंग और कोटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फटी एड़ियों से लेकर उनको पहले से खूबसूरत बनाए रखने के लिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। 1 से 2 चम्मच पेट्रोलियम जेली डालने के बाद सरसों के तेल में, इसके बाद हम थर्ड इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करेंगे मोम। यहाँ पर मोम जो है हमने लेना है वो है मोमबत्ती वाला मोम, उसका छोटा सा पीस जो है हम काट लेंगे इसको, और इस मोम को जो है हमने सरसों के तेल और जो हमने पेस्ट ये बनाया है वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इसमें हमने डालना है। ये स्किन के टेक्सचर को काफ़ी ठीक करता है और स्किन को उसकी जलन को ठीक करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही थकी हुई त्वचा जो है उसको खिला हुआ बनाने के लिए मोम का जो है यहाँ पे यूज़ होता है। इन सब चीज़ों को अब हम है अपने गैस पे पका लेंगे। पकाने के बाद ये जो है ऑयल टाइप से हो जाएगा, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी जो क्रीम है वो तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट है, तो आप जो है अपनी क्रैक हील पर इसको लगाएं, और अगर आपकी इस हील जो है वो ज़्यादा कट रही है तो आप इनके अंदर उसको भर दें, और इसके बाद देखें आप, इसके बाद आप इसको रात में सोते टाइम ज़्यादा ये इफेक्टेड होगा आपके अगर आप इसको लगाएंगे, और आप इसको मलना है। अगर आपकी एड़ियां जो है वो फटी हुई है तो आप भी जो है इनका यूज़ करें, और अपना मन पसंदीदा फुटवेयर जो है अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप देखिए इसको यूज़ करके, इस होममेड लोशन को, क्रीम को यूज़ करके, और देखिए इसका कमाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।